हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। हमारे आज के वीडियो में हम आपको श्रम विभाजन यानी डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में बताएंगे। तो डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि डिवीजन ऑफ लेबर वाला जो सिद्धांत है ये आपका इमाइल दुर्खिम जी ने दिया था। तो हम थोड़ा सा स्टार्टिंग में इमाइल दुर्खिम के बारे में बात करेंगे। तो इमाइल दुर्खिम एक फ्रांसीसी समाजशास्त्री थे। उन्होंने औपचारिक रूप से समाजशास्त्र के अकादमिक अनुशासन की स्थापना की थी और कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर के साथ आमतौर पर आधुनिक सामाजिक विज्ञान के प्रमुख वास्तुकार के रूप में उदत हुए। इमाइल दुर्खिम को आधुनिक समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। इन्हें अगस्त कामटे का उत्तराधिकारी भी कहा जाता है क्योंकि इनके ऊपर कामटे के प्रत्यक्षवाद का काफी प्रभाव था। इन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को स्पष्ट करने के साथ ही इसे एक स्वतंत्र एवं स्वतः विज्ञान के रूप में विकसित किया। दुर्खिम को पहला अकादमिक समाजशास्त्री माना जाता है। दुर्खिम के अधिकांश कार्यों का संबंध यह था कि कैसे समाज आधुनिकता में अपनी अखंडता और सुसंगमता को बनाए रख सकता है। एक ऐसा युग जिसमें पारस्परिक सामाजिक और धार्मिक संबंध अब नहीं माना जाता है और जिसमें नए सामाजिक संस्थान अस्तित्व में आए हुए हैं। 1892 में सर्वप्रथम पेरिस विश्वविद्यालय ने इन्हें समाजशास्त्र में शोध उपाधि प्रदान की थी। समाजशास्त्र के उदय और विकास में फ्रांस और फ्रांसीसी विद्वानों का विशेष योगदान रहा है। वैज्ञानिक अध्ययनों के द्वारा ठोस आधार प्रदान करने वाले फ्रांसीसी विद्वान इमाइल दुर्खिम ने निरीक्षण, परीक्षण और वर्गीकरण के माध्यम से समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया है। गौरतलब है कि समाजशास्त्र के जन्मदाता के रूप में अगस्त कामटे का नाम पहले आता है, परंतु इमाइल दुर्खिम ने उनके उत्तराधिकारी के रूप में उनके अधूरे कार्यों को पूरा किया। उन्होंने समाज को एक नई दिशा दी और व्यक्ति के विकास का पतन में समाज की भूमिका को तर्क देकर समझाया। तो ये तो बात हो गई इमाइल दुर्खिम जी के बारे में। अब जो उन्होंने अपना सिद्धांत दिया था श्रम विभाजन का, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि आखिर श्रम विभाजन क्या है। तो जब किसी बड़े कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर हर भाग को करने के लिए अलग अलग लोग जो होते हैं वो निर्धारित किए जाते हैं, तो इसे हम श्रम विभाजन कहते हैं। श्रम विभाजन को हम विशिष्टीकरण भी कहते हैं। श्रम विभाजन बड़े कार्य को दक्षता पूर्वक करने में सहायक होता है। जब कोई बहुत ज्यादा बड़ा कार्य लोगों को दिया जाता है तो कई बारी लोगों को टुकड़ों में यानी समूहों में बांट करके उस कार्य को पूरा करने के लिए लोगों के अलग अलग ग्रुप डिवाइड कर दिए जाते हैं। ग्रुप डिवाइड करने के साथ ही लोग देखते हैं कि उस कार्य में किसी व्यक्ति के पास उस कार्य को करने की कोई स्पेशलाइजेशन है, कोई स्पेशल स्पेशलाइजेशन से मतलब हो गया आपका कोई विशिष्टीकरण। जैसे कि मान लीजिए उस कार्य के अंतर्गत जो भी कोई छोटा कार्य आता है तो उसके बारे में किसी को पता है कि वो कार्य किस तरीके से किया जाता है या उसने उससे रिलेटेड कोई कार्य ऐसा कर चुका है वो, ताकि उसको उसके बारे में पता होगा कि उस कार्य को हम किस रूप में पूर्ण कर सकते हैं। अब मेन जो पॉइंट है वो हमारा है श्रम विभाजन का अर्थ क्या होता है। ये तो मैंने आपको बताया कि श्रम विभाजन क्या है एक नॉर्मल लैंग्वेज के रूप में। अब मैं आपको बता रही हूं कि श्रम विभाजन का अर्थ क्या है। तो श्रम विभाजन का अर्थ है अलग अलग भाग या प्रक्रियाओं में कार्य का विभाजन जो एक या श्रमिकों के समूह द्वारा उनकी क्षमता और योग्यता के अनुसार किया जाता है। श्रम विभाजन का एक अच्छा उदाहरण बड़े पैमाने पर उत्पादन कारखानों में पाया जाता है, जहां श्रमिकों को उनके द्वारा किए गए कार्य की प्रकृति के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है, जैसे कि फोरमैन, चार्जमैन,
इलेक्ट्रीशियन या तकनीशियन। अब हम बात करते हैं कि जो दुर्खिम जी थे उन्होंने अपने श्रम विभाजन के सिद्धांत में क्या कहा है। तो जो श्रम विभाजन का सिद्धांत है दुर्खिम जी ने उसको अपनी पुस्तक द डिवीजन ऑफ लेबर में प्रतिपादित किया। इस रचना में दुर्खिम आधुनिक और पारस्परिक समाजों का फर्क दिखाते हुए यह प्रतिपादित करते हैं कि आधुनिक समाज जहां श्रम के विशेषीकरण पर आधारित होता है वहीं पारस्परिक समाज जो है वो साझे विश्वासों पर चलता है। उनके अनुसार समाज के रूपों का यह अंतर नियमों की व्यवस्था के अंतर को भी दर्शाता है। इस तरह आधुनिक समाज स्वनियमन से संचालित होता है जबकि पारस्परिक समाज के नियम बाहरी विश्वासों और अनुमोदन पर टिके होते हैं। इनके अनुसार साझे विश्वास सार्वमान्य नैतिकता के प्राधिकार पर टिके होते हैं, इसलिए इन विश्वासों पर आधारित व्यवस्था शक्ति और दबाव के जरिए ही कायम रह सकता है जबकि स्वनियमकारी या आधुनिक समाज स्वतंत्रता समानता तथा न्याय जैसे तत्वों के बिना संतुलित नहीं रह सकता। इमाइल दुर्खिम मानते थे कि समाज के पारस्परिक और आधुनिक रूपों में विभ्रम के कारण तथा आधुनिक समाजों पर पारस्परिक कानून या नियम थोपने की प्रवृत्ति ही कई सामाजिक समस्याओं के लिए जिम्मेदार रही है। दुर्खिम यह सिद्धांत समाज के संदर्भ में देते हैं और कहते हैं कि श्रम विभाजन ही समाज की संरचना तथा उनमें पाए जाने वाले संगठन एवं कानून का निर्धारण करता है। इसके अनुसार श्रम विभाजन के आधार पर दो प्रकार की सामाजिक संरचना होती है, पहली है सरल सामाजिक संरचना और दूसरी है जटिल सामाजिक संरचना। अब हम बात करते हैं सबसे पहले सरल सामाजिक संरचना की। तो सरल सामाजिक संरचना में श्रम विभाजन सरल और कम पाया जाता है। यहाँ श्रम विभाजन लिंग और आयु के आधार पर होता है, इसमें यांत्रिक एकता पाई जाती है तथा दमनकारी कानून पाया जाता है। इसमें सामूहिक चेतना तथा हम की भावना पाई जाती है, अपराध समाज के विरुद्ध पाए जाते हैं। जटिल सामाजिक संरचना की बात करते हैं तो जटिल समाज में श्रम विभाजन योग्यता के आधार पर पाया जाता है। जटिल समाज में जनसंख्या का आकार बड़ा होता है जिससे उत्पादन की आवश्यकता अधिक होती है, इसलिए यहाँ जटिल श्रम विभाजन पाया जाता है। जटिल समाज में पाए जाने वाली एकता को सावयवी एकता कहा जाता है। यहाँ सामूहिक चेतना कम पाई जाती है तथा अपराध व्यक्ति के विरुद्ध पाए जाते हैं एवं प्रतिकारी दंड की व्यवस्था पाई जाती है, इसे क्षतिपूरक कानून कहा जाता है। तो ये तो बात हो गई कि दुर्खिम के श्रम विभाजन के सिद्धांत में उन्होंने क्या बताया था। अब हम बात करते हैं कि श्रम विभाजन के नुकसान क्या हैं और उसके लाभ क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं श्रम विभाजन के लाभ के बारे में। तो प्रत्येक कार्यकर्ता एक विशेष प्रकार के काम में माहिर होता है, इससे दक्षता बढ़ जाती है। चूंकि प्रत्येक कार्यकर्ता एक ही कार्य को बार बार करता है इसलिए कौशल में सुधार होता है, इससे अधिक उत्पादन होता है, श्रमिकों और उद्योगों पर अधिक दबाव डाले बिना जल्दी और कुशलता से काम करना संभव हो जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति अपने विशेषज्ञता के क्षेत्र में आविष्कार कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रम विभाजन ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संभव बनाया है। श्रम के विभाजन के माध्यम से उत्पादन बढ़ने से राष्ट्रीय धन में वृद्धि होती है। तो ये तो सारी बात हो गई लाभ की। अब हम बात करते हैं श्रम विभाजन के नुकसान की। तो पहला जो नुकसान है उसमें यह है कि एक श्रमिक को बार बार एक ही काम करने की आवश्यकता होती है, इसलिए वह सुस्त हो जाता है। सेकंड है, यह जिम्मेदारी को विभाजित करता है जिसके लिए स्थानांतरण की अधिक संभावना है। थर्ड है, यह श्रम की गतिशीलता में बाधा डालता है। यदि एक विभाग में संचालन बंद हो जाता है तो पूरे उद्योग को नुकसान होता है। तो आज हमारा टॉपिक जो श्रम विभाजन का था वो यहीं पे कंप्लीट होता है। इसमें मैंने आप लोगों को इमाइल दुर्खिम जी के बारे में भी बता दिया, उनके श्रम विभाजन के सिद्धांत में उन्होंने क्या चीजें बताई थी वो भी बता दिए, श्रम विभाजन का अर्थ क्या होता है वो बता दिया,
उसके लाभ क्या हैं, उसके नुकसान क्या हैं, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दी हैं। तो हमारी ये यूनिट जो है वो यहीं कंप्लीट होती है। ये हमारा लास्ट टॉपिक था श्रम विभाजन का। अब आगे हम अपनी नेक्स्ट नई यूनिट तैयार करेंगे। तो मिलते हैं हम अपनी नई यूनिट के साथ नए वीडियो में। थैंक यू।